सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूक्रेन रूस विवाद लगातार जारी है, इसी बीच की बड़ी खबर यूक्रेन से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन में मिलिट्री एकेडमी पर बरसे रूसी रॉकेट, रूसी हमले में खारकीव की कई इमारतें तबाह। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से सामने आ रही है, खारकीव में हमले की खारकीव गवर्नर ने दी जानकारी। खारकीव में बमबारी में 21 लोगों की मौत। लगातार यूक्रेन और रूस विवाद जारी है, रूस लगातार यूक्रेन पे हमले कर रहा है और यूक्रेन अपना बचाव कर रहा है। इसी बीच की बड़ी खबर, यूक्रेन में मिलिट्री एकेडमी में बमबारी की गई है, बरसे रॉकेट बरसाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन जल रहा है, लगातार रूस रॉकेट बरसा रहा है यूक्रेन पर। वही ताजा खबर, यूक्रेन में मिलिट्री एकेडमी पर रूसी रॉकेट बरसे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लगातार यूक्रेन की बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं। वहीं 21 लोगों के मौत की भी खबर सामने आई है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से वहां की बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, आग की लपटे और लपटों में वहां के लोग तबाह हो रहे हैं। किस तरह से यूक्रेन तबाह हो रहा है, यूक्रेन की तबाही की पिक्चर है आप टीवी स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं। किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतों को रॉकेट के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर, यूक्रेन में मिलिट्री एकेडमी पर भी हमला हुआ है, मिलिट्री एकेडमी पर रूसी रॉकेट बरसे हैं। लगातार गवर्नमेंट संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को रूस अपना निशाना बना रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस मुख्यालय को पर रॉकेट से हमला किया गया है। तस्वीरों में आप यूक्रेन के पुलिस मुख्यालय देख रहे हैं, साफ आपको हम दिखा रहे हैं यूक्रेन के पुलिस मुख्यालय का तस्वीर। किस तरह से यूक्रेन का पुलिस मुख्यालय रॉकेटों की चपेट में आया है। लगातार रूस जिस तरह से रॉकेट बरसा रहा है यूक्रेन पर, आप यूक्रेन की तबाही की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि वहां का पुलिस सेंटर किस तरह से, मिलिट्री एकेडमी किस तरह से जल कर खत्म हो रहा है। बड़ी खबर, यूक्रेन में 1377 भारतीयों को वापस लाया गया, अन्य भारतीयों की वापसों की कोशिशें हुई तेज। लगातार भारतीयों को वहां से वापस बुलाया जा रहा है। दो भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी, हिंडन एयरबेस के रोमानिया और हंगरी के लिए यह उड़ान भरी गई है। यूक्रेन से 1377 भारतीयों को वापस लाया गया, अन्य भारतीयों की वापसी की कोशिशें हुई तेज। इस वॉर के बीच लगातार भारत अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। दो भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी है, हिंडन एयरबेस से रोमानिया और हंगरी के लिए भरी उड़ान। लगातार भारतीय लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, यूक्रेन और रूस विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच लगातार अपने भारतीयों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच दो भारतीय युवा सेना के विमानों ने उड़ान भरी है। आप देख सकते हैं कि अन्य भारतीय भी वहां से वापस आ रहे हैं। हालांकि कई खबरें भी सामने आ रही है कि लोग वहां परेशान हैं। लगातार वहां पे जो छात्र हैं, जो मेडिकल की ज्यादातर पढ़ाई करने गए हैं यूक्रेन में, वो परेशान हैं और वो लगातार भारत सरकार से गुहार कर रहे हैं। उनके परिजन भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जाए, क्योंकि हालात यूक्रेन का भयावह हो चुका है। लगातार रूस अपनी मिसाइलें बरसा रहा है यूक्रेन पे। इसी बीच दो भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी है, हिंडन एयरबेस से रोमानिया और हंगरी के लिए उड़ान भरी गई है। लगातार भारत अपने छात्रों को, भारतवासियों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश कर रहा है और निकाल भी रहा है। इसी बीच अन्य भारत को भी, और वही आपको सुनाते हैं कि जो छात्र, जो भारतीय यूक्रेन से वापस आए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से अपना दर्द व्यक्त किया, किस तरह से भारत सरकार को। I know you are all, you've all been through very challenging and dangerous times in the last few days, but I can assure you that the Prime Minister and the government have worked relentlessly and tirelessly to bring each one of you back home and out of harm's way. This is a article of faith for our government to make sure every Indian who is in the harm's way is brought back home.
and reunited with their families. So I welcome you back again to our motherland, our country, and I thank you. और आप दोनों, आपके आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया जो वापस लौट रहे हैं, उनसे लगातार भारतीय अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनकी वापसी के लिए वो उनसे बात करते नजर आ रहे हैं, उनको संतावना दे रहे हैं कि अन्य जो उनके साथी वहां पर मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द वहां निकाला जाएगा। इस बीच भारत सरकार की कोशिशें तेज हैं, 1377 भारतीयों को वापस लाया गया है, वे अन्य भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें तेज की गई है भारत सरकार द्वारा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी छात्रों से बात करती नजर आ रही है, उनको संतावना देती नजर आ रही है। गुजरात थी क्या थी आया छे कौन कौन छे दरेक गुजराती ने स्वागत छे गरबा अणि महाराष्ट्र सो कौन कौन आले वेलकम बैक होम। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जो छात्र छात्राएं और भारतीय वापस आ रहे यूक्रेन से उनको संबोधित किया, उन्हें संतावना दिया, उन्हें आश्वासन दिलाया, उन्हें आश्वासन दिया कि अन्य जो उनके छात्र और साथी यूक्रेन में फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। भारत अपनी कोशिशें तेज कर दिया है यूक्रेन से अपने भारतीयों को निकालने के लिए, क्योंकि लगातार रूस का कहर यूक्रेन पर जारी है। और इसी बीच अन्य 1377 भारतीय वापस आ चुके हैं, अन्य भारतीयों की वापसी की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। तो भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी है, हिंडन एयरबेस से रोमानिया और हंगरी के लिए उड़ान भरी गई है। यूक्रेन से 1377 भारतीयों को वापस लाया गया है और लगातार अन्य भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें तेज की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हायर किए गए हैं छात्रों को वहां से लाने के लिए, जिनके हाथ में कमान दिया गया है हेल्पलाइन नंबर पर, वो लगातार वहां के छात्रों के साथ बने हुए हैं। वो छात्रों को संतावना दे रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि जो अन्य उनके साथी वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। वह इंडियन एयरबेस से रोमानिया और हंगर से यह उड़ान भरी गई है, यूक्रेन से 1377 भारतीयों को वापस लाया गया है, अन्य भारतीयों को भी वापस लाने की कोशिशें तेज की जा रही है। देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से रूस का कहर यूक्रेन पर जारी है और अब मिलिट्री एकेडमी पर भी रूस ने हमला कर दिया है। इस बीच 1377 भारतीय भारत सरकार द्वारा वापस लाए गए, वही अन्य दो विमानों ने भी आज वहां से रवाना हुई है और लगातार भारत सरकार कोशिशें कर रहा है कि उनको जल्द से जल्द वापस लाए, क्योंकि यूक्रेन में हालत भयावह होते जा रहा है। खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।